रायगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के अदबहाल ग्राम पंचायत के हाथी प्रभावित क्षेत्र में 13 लाख खर्च करने के बाद गौठान निर्माण निरस्त करने का प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी सागर सिंह राज का कहना है कि हाथियों ने निर्माण कार्य तोड़ दिया है, जिसे फिर से बनाया नहीं जा सकता। वही वनपाल MS बरेहा ने बताया कि जिस 10 एकड़ भूमि पर गौठान बनाया जा रहा था वो वन विभाग की भूमि है, बिना अनुमति और रहे काम पर रोक लगा दी गई है। जब्तीनामा उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। हाथियों के गौठान निर्माण तोड़ने और नुकसान पहुंचाने वाली बात महज बनावटी है। अगर हाथियों ने इसे तोड़ा होता तो विभाग को जानकारी दी जाती और वन विभाग नुकसान का आंकलन करता। ये भी कहा जा रहा है कि वन विभाग की आपत्ति, रोक और आधे अधूरे काम को जनपद पंचायत के अधिकारी छपाने की कोशिश कर रहे हैं। काम तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, एक दो तो टंकियों के बनाए हैं, तो लकड़ी उकड़े झोपड़ी बनाए हैं, खाली फॉर्मेलिटी निभा दे रहे हैं सर। पूरा भ्रष्टाचार के हैं सर। CO साहब को बताया गया है कि ऐसा ऐसा है, वहाँ कुछ काम वन विभाग से करने नहीं दे रहे हैं, इसका निराकरण करवाइए बोल रहे हैं। वन भूमि है, वन भूमि में कोई भी अगर कार्य होता है, चाहे पंचायत के द्वारा किसी के द्वारा, तो उसका अनुमति लिया जाता है विभाग से, वन विभाग। इनका वन विभाग से कोई अनुमति नहीं लिया गया था, इसीलिए जो है ना इसको मेरे द्वारा जो है ना यहाँ जब्ती किया गया है। जनपद पंचायत रायगढ़ के अदबहाल ग्राम जो वन क्षेत्र और हाथी प्रभावित क्षेत्र होने के कारण उसको निरस्त करने का प्रस्ताव भेजा गया है। चूँकि हमारे जनपद पंचायत के द्वारा प्रयास किया गया बनाने का, लेकिन जंगली हाथी के द्वारा जो भी निर्माण कार्य उसको ध्वस्त कर दिया गया, ऐसी स्थिति में उसको पूर्ण कराना संभव नहीं था।